हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अकेडमी। दिस इज अखिल पठान। ओके, सो वेलकम यू ऑल ऑन इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। And this is Shakil Pathan. Let's crack it. This is my small introduction. You can see this. अगर अभी तक आपने Unacademy Learning App डाउनलोड नहीं की है, सो आप Unacademy Learning App जल्दी से जाके प्ले लिस्ट स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बिकॉज जैसे ही आप Unacademy Learning App यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस। इन द डेली लाइव क्लासेस यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, इंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट, आंसर द पोल, ऑल वाइल क्लास इज गोइंग ऑन। इसके साथ साथ आपको मिलता है लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस। लाइव टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्यूजेस के थ्रू आप अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। और अनअकैडमी आपको हमेशा प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चर कोर्स। इसका मतलब आपका जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पर कवर कराई जाती हैं। आपको अनअकैडमी में मिलता है अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन एक्सेस। वंस यू गेट अ सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी, जितनी भी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है अन अकेडमी पर, वो सब आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट एट एनी डिवाइस। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, अन अकेडमी वी हैव अ टॉप एजुकेटेड टीम। सो आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटेड टीम से पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप चाहे जिस एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। हाँ लवली, यस यस यस, रामनवमी है शायद आज, है ना? यस, हैप्पी टू ऑल रामनवमी, हैप्पी टू ऑल। ओके, यस यस यस, फॉर ऑल रामनवमी। ओके, हैप्पी फॉर ऑल। आई होप ये जो है वो कोरोना लेके चली जाए, ठीक है, हम पर थोड़ा सा इतना दया हो जाए। सो देखिए, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको पड़ता है 30,250 रुपीज़। बट वेन यू आर अप्लाई कोड एस पी पठान या पठान, आपको यही पड़ेगा 10% डिस्काउंट के साथ 27,225 रुपये। और पर मंथ में आपको ये चार्ज पड़ेगा 2,269 पर मंथ। ओके, इसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है, गुड इवनिंग लवली, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है यहाँ पर 12 मंथ का 50,250 रुपीज़। बट व्हेन यू अप्लाई द कोड पठान, आपको ये पड़ेगा 45,225 रुपीज़। तो अभी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज अभी आपका डिस्काउंट चल रहा है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 3 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बोनस मिल रहा है। तो आप इस कोड को लगा के इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। ओके, चलिए नाउ कम टू अवर लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पंप पे होने वाला है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, प्रॉपर तरीके से पंप हम लोग कवर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं आ जाइए। थोड़ा सा एक दो मिनट में लेट हो गया था क्योंकि कनेक्ट होने में सिस्टम थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर द मोर स्टूडेंट टू कम। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि हमारे और सारे स्टूडेंट जो है ज्वाइन हो जाए। सो देखिए, हम बात करें पंप की। सब लोग जानते हैं पंप का काम क्या होता है। पंप का काम होता है वाटर के लेवल को राइज करना, वाटर के पोटेंशियल हेड को राइज करना, एक लेवल से वाटर को उठा के दूसरे लेवल पर पहुंचाना। ये पंप का काम होता है, मतलब पंप करना होता है केस कुल मिला के। हम लोग यहाँ पर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं फ्लूइड की, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द पंप। अब देखिए, पंप हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रोटोडायनेमिक पंप और एक होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ओके, सो हमारे पास दो तरह के पंप है, रोटोडायनेमिक पंप एंड द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, एक जो वॉल्यूम है वो कन्फाइंड रीजन होता है और उसके अंदर हम लोग क्या होता है, फ्लूड हमारा इनक्लोज होता है, और उस कन्फाइंड रीजन के अंदर जो फ्लूड इनक्लोज होता है हम उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, उस पर हाई प्रेशर लगा रहे होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्यूम के अंदर जो आपका फ्लूड है जिसका प्रेशर राइज करना है वो कन्फाइंड होता है, और आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करते हो, सपोज पिस्टन का कर रहे हो या फिर और किसी चीज़ का कर रहे हो, सो इस वॉल्यूम को आप कम करते हो जिसकी वजह से ये इनसाइड फ्लूड का प्रेशर राइज होता है, और उस प्रेशर की वजह से जैसे कि हमने बात की, ये प्रेशर एनर्जी फिर फ्लूड की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फ्लूड जो है हाई हेड तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का पंप का। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आपको दो टाइप के मिलते हैं,
एक आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो आप बचपन से यूज करते हो घरों में, जो हैंड पंप होता है दैट इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। और एक होते हैं रोटरी पंप्स। रोटरी पंप जो नए नए अभी चीजें आई हैं, जैसे कि गियर पंप, स्क्रू पंप और वेन पंप। देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वेरी हाई प्रेशर। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से हमें मिलता है इट इज अ वेरी हाई प्रेशर, क्योंकि आप यहां पर फ्लूड को एक कन्फाइंड रीजन में रख के उसको कंप्रेस कर रहे होते हो, तो आप इस कंडीशन में बहुत हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट होता है कि हम फ्लूड को बहुत लो लेवल से भी उठा सकते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वेरी हाई प्रेशर वी कैन डेवलप विद द पंप। सेकेंड एडवांटेज वी कैन अचीव फ्रॉम द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कि वी कैन शक द फ्लूड एट वेरी लो हेड, वेरी लोअर हेड से भी अगर हम फ्लूड को शक कर पाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, एक जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं उनको रेसिप्रोकेटिंग, और जो रोटरी मोशन करते हैं उनको रोटरी पंप। लेकिन दोनों में ही सेम प्रिंसिपल वर्क करता है। यहाँ पर एक कन्फाइंड रीजन होता है जिसके अंदर फ्लूड भरा होगा, उसको हम कंप्रेस कर रहे होंगे। तो दोनों प्रिंसिपल इनका सेम है, जिसके बारे में हम सेंट्रिफ्यूगल पंप के बाद पढ़ेंगे, बट दोनों के अंदर जो मोशन है वो अलग है। इसके अंदर अप एंड डाउन मोशन है इसलिए रेसिप्रोकेटिंग, एंड इसके अंदर रोटरी मोशन है या रोटेशन का मोशन है इसलिए रोटरी पंप कहते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो पंप आते हैं, एक आता है पिस्टन पंप, प्लंजर पंप और डायफ्राम पंप। इनके बारे में हम बात करेंगे जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ेंगे। गुड इवनिंग रोशन। रोटरी पंप में आते हैं गियर पंप, स्क्रू पंप और वेन पंप। ये आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, ओके, बट इनके कुछ डिसएडवांटेज हैं। जब हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे गियर पंप, स्क्रू पंप, वेन पंप, इनके क्या डिसएडवांटेज है वी विल टॉक अबाउट लेटर, ओके। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रोटोडायनेमिक पंप। तो ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसके अंदर आप वॉल्यूम फ्लूड को एक कन्फाइंड रीजन में पैक कर देते हो और उसको प्रेशराइज कर रहे होते, दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब आता है रोटोडायनेमिक पंप। सो रोटोडायनेमिक पंप को हमने तीन कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया है, लो हेड पंप, मीडियम हेड पंप और हाई हेड पंप। तो एक्सियल पंप जो होते हैं रोटोडायनेमिक पंप इज नोन एज प्रोपेलर पंप ऑल्सो या एक्सियल पंप ऑल्सो। सेकेंड आता है सेंट्रिफ्यूगल पंप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दो तरह के होते हैं, या तो मिक्स फ्लो होंगे, मिक्स फ्लो पंप, जैसे कि हमने कल आपको बताया था डेरियस टर्बाइन। दो दिन पहले मैंने क्लास में एक डेरियस टर्बाइन पढ़ा था और मैंने बोला था कि ये क्या टर्बाइन जो डेरियस टर्बाइन होता है ये पंप और टर्बाइन दोनों की तरह काम करता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है, दैट इज मिक्स फ्लो टाइप ऑफ पंप। नेक्स्ट आता है सेंट्रिफ्यूगल पंप जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप एंड रेडियल टाइप ऑफ पंप, ठीक है। तो आज हम रेडियल सेंट्रिफ्यूगल पंप पढ़ रहे हैं। मिक्स्ड फ्लो टाइप सेंट्रिफ्यूगल पंप इज नथिंग बट अ रिवर्स ऑफ डेरियस टर्बाइन। डेरियस टर्बाइन का जो रिवर्स होता है वही आपका सेंट्रिफ्यूगल पंप होगा मिक्स्ड फ्लो टाइप, और एक्सियल फ्लो पंप मतलब कैपलैन टर्बाइन। सो इनके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे कि भाई क्या मतलब है इनका, कैसे यूज होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो कुछ पहले देख लेते हैं कि सेंट्रिफ्यूगल पंप जो आपको देखते हैं, इस तरह के पंप आपको देखने को मिले होंगे जनरली, आप जो यूज करते हो पंप इसी तरह के वो पंप होते हैं, यू कैन सी दिस। तो इन पंप में क्या होता है, किसी भी लोअर सम से वाटर को शक किया जाता है और हायर हाइट पर भेजा जाता है। तो इस तरह का कुछ काम हो रहा होता है, यहाँ पर लोअर हाइट से पानी को शक किया जाता है और हायर हाइट पर यहाँ पर भेजा जाता है, और ये जो पंप है वो रोटेट कर रहा होता है यहाँ पर, ओके। सो यू कैन सी दिस डायग्राम। या इरिगेशन के लिए भी हम इसको यूज लेते हैं माय डियर फ्रेंड। इरिगेशन के लिए जो पंप यूज किया जाता है वो है एक्सियल फ्लो पंप। इरिगेशन के लिए इसको यूज करते हैं हम, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज एक्सियल फ्लो पंप, ठीक है। चलिए दिस इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप, जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ, फिर आपको प्रिंसिपल भी समझाएंगे, ओके। यू कैन सी दिस, दिस इज ऑल्सो सेंट्रिफ्यूगल पंप, यू कैन सी दिस। तो ये हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप है, ओके। अब हम जब सेंट्रिफ्यूगल पंप पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर सेंट्रिफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या डिफरेंस है, सॉरी सेंट्रिफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या डिफरेंस है, क्यों हम सेंट्रिफ्यूगल, किस एप्लीकेशन में हम सेंट्रिफ्यूगल पंप को यूज करेंगे और किस एप्लीकेशन में हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, जो जो लिख रहे हैं वो मेरे साथ लिख लीजिएगा, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर पेज ऐड करने होंगे जो कुछ बातें आपको बतानी, जिसपे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ओके।
सो देखिए, सबसे पहला आपके दिमाग में सवाल यही आया होगा कि यार सेंट्रीफ्यूगल पंप हम क्यों यूज करें, व्हाट इज द एडवांटेज व्हेन वी यूज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मैं कुछ एडवांटेज बता रहा हूं, एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ओवर रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो देखिए, हम जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहे हैं वो उसका क्या एडवांटेज है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला एडवांटेज जो सेंट्रीफ्यूगल का पंप का होता है, इट प्रोवाइड अ हाई डिस्चार्ज। हमें ये हाई डिस्चार्ज प्रोवाइड करता है। तो जब हमें ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए होगा, ज्यादा पानी को सप्लाई करना है, सो वी आर गोइंग टू यूज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप और रोटोडायनेमिक पंप। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज होता है हाई डिस्चार्ज। दूसरा एडवांटेज होता है अनुज यादव, शायद आपको गलत फहमी हो रही है, मैं किसको पढ़ा रहा हूं आपको ये बच्चे जवाब दे देंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं डेली, कम से कम 100-150-200 बच्चे तो इसको देखते हैं वीडियो को। ओके, सो ये आपको गलत फहमी हो रही है अनुज। ओके ओके, बट इट डजेंट मैटर, अगर एक स्टूडेंट भी होगा तो आई विल टीच हिम। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाई डिस्चार्ज सेकेंड पॉइंट होता है, सेकेंड पॉइंट होता है जो हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप से मिलता है, कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्ट पंप, ठीक है। थर्ड पंप होता है हमारा कॉम्पैक्टनेस होती है, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो साइज होता है बहुत कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप बल्की होते हैं जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। तीसरा, ओके, तीसरा यहां पर होता है हाई स्पीड। हाई स्पीड कैन बी अचीव, कैन बी अचीव्ड। यहां पर हम हाई स्पीड कैन बी अचीव्ड बिकॉज देर इज नो कैविटेशन, नो कैविटेशन बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ऑफ द पंप, स्पीड ऑफ द पंप। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा, स्पीड ऑफ द पंप ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बच्चे ये समझते हैं कि कैविटेशन फिनोमिना केवल और केवल, कैविटेशन फिनोमिना केवल और केवल कहां होता है? कैविटेशन फिनोमिना, बच्चे ये समझते हैं कि कैविटेशन फिनोमिना केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कैविटेशन फिनोमिना रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी होता है। लेकिन जो कैविटेशन फिनोमिना रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है वो पिस्टन के अंदर होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन होता है वो हमारी एंट्री पर होता है। जब फ्लूड एंटर कर रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में तब कैविटेशन होता है, और जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर कैविटेशन इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो इस वजह से जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसकी स्पीड को आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, और जब आप स्पीड को ज्यादा नहीं बढ़े पाओगे तो फिर उसके उस वो ज्यादा डिस्चार्ज सप्लाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि बेसिकली यहां पर डिस्चार्ज हमें कितना मिलेगा पर सेकेंड, हमें कितना फ्लूड मिलेगा, इट विल टोटली डिपेंड ऑन द मनीष, गुड इवनिंग, टोटली डिपेंड ऑन द कि हमारा स्पीड कितना है पंप का, रेसिप्रोकेटिंग पंप का स्पीड पर डिपेंड करता है। बट जब रेसिप्रोकेटिंग पंप में आप स्पीड बढ़ाते हो तो कैविटेशन होने लगता है इनसाइड द पिस्टन, कैविटेशन होने लगता है इनसाइड द पिस्टन। ओके, कैविटेशन होने लगता है इनसाइड द पिस्टन, ठीक है। तो इस वजह से हम इसकी स्पीड को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए वो हाई डिस्चार्ज सप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। चौथा हमें यहां डिस्चार्ज मिलता है जो बैलेंस, यहां पर जो रेसिप्रोकेटिंग पंप अगर आप यूज करोगे तो हाई वाइब्रेशन आएंगे सिस्टम में, सिस्टम का इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हो तो यहां पर आता है लो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आपके ज्यादा नहीं आते, क्योंकि आप स्टॉर्म थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ोगे। ओके, बफरिंग हो रहा है, आई थिंक वॉइस मेरा क्लियर होगा, मेरे को तो यहाँ नहीं दिख रहा बफरिंग रोशन, वॉइस मेरा क्लियर होगा बट वीडियो में हो सकता है बफर हो जाता है कई कई बार,
स्पीड थोड़ा सा लो हो जाता है। देखिए सो यहाँ पर लो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टनेस होता है वॉल के लिए, ये चार पांच एडवांटेज हैं। बाकी बहुत सारी लिस्ट है वैसे तो एडवांटेज की, जो मेन एडवांटेज है वो मैंने बता दिया आपको। हाई डिस्चार्ज, कॉम्पैक्टनेस होती है, स्पीड आपकी हाई हो सकती है जिससे कि डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, लो वाइब्रेशन होते हैं, ये छोटे छोटे एडवांटेज हैं। यस लवली, आई विल एक्सप्लेन द कैविटेशन इन द लास्ट। ये मैंने कैविटेशन के लिए पूरी स्लाइड रख रखी है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, पूरा कैविटेशन के लिए लेके आओ ना आज यार, तुम्हारा समझा के जाएंगे हम लोग, पूरा कैविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्टिंग धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को समझ के वो कर रहे हैं। तो समझ में आ गया हमको सेंट्रिफ्यूगल पंप का एडवांटेज क्या है। देखो होम पर्पस में हमारे पास जो पंप यूज होता है जनरली, ओके, समरसिबल पंप आप यूज करते हो, याद है आपको, समरसिबल पंप आप यूज करते हो। तो समरसिबल पंप में क्या होता है, जो सेंट्रिफ्यूगल पंप होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं। समरसिबल पंप में जो आप पंप यूज करते हो बेसिकली उसके अंदर देखो आपने दो तरह के पंप देखे होंगे, समरसिबल पंप यूज करते हैं, एक सिलेंडर की तरह पंप आता है उसको हम अंदर डाल देते हैं ग्राउंड में और वो पंप करता है। तो आपके घरों में जो पंप यूज होता है वो समरसिबल होता है, और समरसिबल पंप कुछ नहीं होता, सेंट्रिफ्यूगल पंप का सीरीज कनेक्शन हो, सीरीज कनेक्शन है। सेंट्रिफ्यूगल पंप को हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट में सीरीज में लगा देते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई होता है वो हम बहुत लोअर हेड से खींचते हैं, कई कई जगह तो बहुत नीचे से पानी, बहुत गहराई से पानी को खींचा जाता है। तो उसकी वजह से अगर एक वन स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप आप यूज करोगे तो कैविटेशन में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैविटेशन होने लगेगा। तो यहां पर हम अलग अलग पंप को सीरीज में लगाते हैं जिससे कि हम बहुत लोअर तक पानी को खींच पाए और बहुत हाई हेड तक पानी को पहुंचा पाए। तो आपके घरों में जो यूज होता है पंप के लिए, दैट इज नॉर्मली समरसिबल व्हेन यू शक द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अगर ग्राउंड लेवल से आप शक कर रहे हो। और अगर केवल आपके टंकी में पानी आता है वाटर सप्लाई से, जो सिटी की वाटर सप्लाई से उससे पानी आता है, आप टंकी में भर लेते हो और एक मंजिल तक चढ़ाना है, तो फिर आप वहां पर सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज करते हो, ठीक है। और गाँव में जो यूज होता है, गाँव में कौन सा पंप यूज होता है बताओ मुझे, गाँव में जो कौन सा पंप यूज होता है, जेट पंप, ओके, लाइक जेट पंप, ओके, लाइक जेट पंप। और जेट पंप का प्रिंसिपल क्या है, जेट पंप में कहानी क्या है, जेट पंप यूज होता है गांव में, और गांव में होता क्या है, हमें ज्यादा डिस्चार्ज की जरूरत पड़ती है क्योंकि पानी कहाँ फैलना है आपको, गांव खेतों में ले जाना है, तो वहां पर एक कंसेप्ट यूज किया जाता है, जेट यूज किया जाता है टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा डिस्चार्ज। तो वो हम कभी पढ़ेंगे, उसमें भी सेंट्रिफ्यूगल पंप ही यूज होता है, बट यहां पर हमारी जो पाइपलाइन होती है यहां पर हम एक इस तरह का नोजल शेप बनाते हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को पंप कर लेता है बिकॉज ऑफ वेरी लो वेपर प्रेशर। यहां पर जो प्रेशर बनता है वो वैक्यूम बन जाता है, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा वाटर को यहां शक करता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके लेट्स सी, यस, अगर देखो रिवर वगैरह में यूज करना है ना, यू नीड अ हाई डिस्चार्ज, तो फिर एक्सियल फ्लो पंप यूज करते हैं। रिवर वगैरह में यूज करना है तो एक्सियल फ्लो यूज करते हैं, ठीक है, एक्सियल फ्लो पंप यूज करते हैं। देखो अनुज यार, इफ यू आर वांट टू स्टडी ना देन स्टे, ओके, फोकट के क्वेश्चन पूछने तो प्लीज लीव द क्लास, डोंट डिस्टर्ब द क्लास एंड मी ऑल्सो, ओके, ये बहुत हाईली सिंसियर क्लास है, सो डोंट डिस्टर्ब इट, ओके, चलिए। सो इट इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप, समझ में आ गई कहानी। तो ये हमारी जो कुछ कुछ बातें हैं जिसके बारे में हमने बात किया। अब आता है प्रिंसिपल, देखो किस प्रिंसिपल पे हमारा जो सेंट्रिफ्यूगल पंप है वो वर्क करता है, ओके। सो देखिए, यहां पर जो हमारे पास प्रिंसिपल जो वर्क होता है वो होता है फोर्स वर्टेक्स मोशन। जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे आपका पंप वर्क करेगा सेंट्रिफ्यूगल पंप, दैट इज फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन, फोर्स वर्टेक्स मोशन, फोर्स वर्टेक्स मोशन, ठीक है, इट इज वर्किंग ऑन द फोर्स वर्टेक्स मोशन। तो आपने एक चीज देखी होगी कि यार आपने अगर गिलास में पानी रखा हुआ है और आप बहुत तेजी से चम्मच हिलाएं, उसमें कोई चीज आपके पास है जिससे कि बहुत तेजी से आप वाटर को हिला सकते हैं या रोटेट करा सकते हैं, तो होगा क्या कि वाटर का जो पोटेंशियल हेड है वो बढ़ने लगेगा, वाटर ऐसे राइज करने लगेगा। अब सोचिए, वो ग्लास नहीं है, एक ट्यूब है, ठीक है। अब उस ट्यूब में आप किसी रोटर से पानी को बहुत तेजी से हिला रहे हो और कंटिन्यूअसली पानी उसके अंदर सप्लाई भी करते जा रहे हो, तो होगा क्या
जितना तेजी से आप उस रोटर को रोटेट करोगे तो वैसे वैसे आपके वाटर का पोटेंशियल हेड बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर जो हम बेसिकली प्रिंसिपल यूज करते हैं, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज फोर्स वर्टेक्स मोशन। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब फ्लूड आता है तो किसी और रेडियस से आता है, मतलब हायर रेडियस से आता है, और जब ये एग्जिट करता है तो लोअर रेडियस से एग्जिट करता है। तो इनका जो डिफरेंस होता है, दैट इज द मैक्सिमम अवेलेबल हेड यू कैन अचीव, इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर यू कैन अचीव। ठीक है, तो आप जो मैक्सिमम हाइट अचीव करते हो या मैक्सिमम पोटेंशियल हेड अचीव करते हो, दैट विल बी लेस देन और या लेस देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर बाई टू जी। दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन द फोर्स वर्टेक्स मोशन। ओके, तो जितना ज्यादा आप तेजी से पंप को रोटेट करते हो उतना ही ज्यादा आप यहां पर हेड डेवलप कर सकते हो। तो आपका जो रेसिप्रोकल सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इट इज वर्किंग ऑन द फोर्स वर्टेक्स मोशन। वी जस्ट रोटेटिंग द वाटर इन द सर्कल, वी आर जस्ट रोटेटिंग द वाटर इन द सर्कल एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी आर गेटिंग द पोटेंशियल हेड। तो जो हमारी रोटेशनल एनर्जी है वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए इसको हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ फोर्स वर्टेक्स मोशन। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट वी कैन अचीव इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप विल डिपेंड ऑन द टू पेरीमीटर। फर्स्ट, स्पीड ऑफ द रोटेशन, कितना हाई आरपीएम से आप पंप को रोटेट कर रहे हो, और दूसरा पंप का रेडियस का डिफरेंस कितना है, पानी किस रेडियस पे एंटर कर रहा है और किस रेडियस पर जा रहा है, इन दो बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या के यूज कर रहे हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है व्हेन यू रोटेट द वाटर इन द सर्कल, तो उस सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से हमारे पास पोटेंशियल हाइट इंक्रीज हो जाता है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग अ फोर्स वर्टेक्स मोशन कंसेप्ट हेयर। सो अगर कोई भी बोले वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सो इट्स अ फोर्स वर्टेक्स मोशन। ओके, चलिए, तो यहां पर भी मैंने लिख रखा है, व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ लिक्विड इज मेड टू रोटेट बाय एक्सटर्नल फोर्स, इट इज थ्रो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल हेड इज इंप्रेस्ड व्हिच इनेबल इट टू राइज टू अ हायर लेवल। Now, if more liquid is constantly made available at the center of rotation, a continuous supply of liquid at higher level may be ensured. Since in this pump, the lifting of liquid is due to centrifugal action, this pump are called as centrifugal pump. So, this is the basic principle of the centrifugal pump. I hope you understand this. Okay, इसीलिए इसको centrifugal pump भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको समझ में आ गया, रोटोडायनेमिक पंप को मैंने आपको बता दिया, अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग इनको डिटरमाइन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली तीन तरह के हैं, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो और मिक्स फ्लो। रेडियल फ्लो जो टर्बाइन होता है या रेडियल फ्लो जो पंप होता है वो रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन पर डिपेंड करता है। बिगिनिंग में जो फ्रांसिस टर्बाइन यूज होते थे, देवर रेडियल। रेडियल का मतलब ये होता है कि जो फ्लूड एंटर कर रहा है वो भी रेडियली करेगा और जब फ्लूड आउट होगा तो वो भी रेडियली आउट होगा। सो इस तरह के टर्बाइन को हम कहते हैं रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन। तो इनिशियल में हम लोग रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन यूज करते थे, बट उसका डिसएडवांटेज ये था कि जो पावर हमें मिलती थी वो कम मिलती थी। ठीक है, तो उसी इनिशियल फ्रांसिस टर्बाइन जो कि रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन है, उसी पर रेडियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। तो जब भी हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, 99% केस में उसका मतलब रेडियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। जब भी हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका मतलब यह है कि वी विल टॉकिंग अबाउट अ रेडियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जब भी आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका मतलब आप रेडियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करो। इनलेट भी इसी डायरेक्शन में होगा, एग्जिट भी। अब आप कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो अभी आपको देखा, सर अभी आपने मेरे को डायग्राम दिखाया था, तो देखो सर यहां तो सर इनलेट देखो एक्सियल हो रहा है और सर आउटलेट देखो सर रेडियल हो रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, रेडियल मेरे कहने का मतलब यह है
कि जब टरबाइन की इंपीलर ब्लेड या सॉरी पंप की इंपीलर ब्लेड पर पानी फ्लो करेगा या फ्लूड फ्लो करेगा, सो इट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। इसका मतलब ब्लेड में किस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ब्लेड से किस डायरेक्शन से बाहर निकल रहा है, इसी वजह से उसको कहते हैं रेडियल। तो ब्लेड में जब ये एंटर करता है तो रेडियल करता है, और ब्लेड से जब बाहर निकलता है तो रेडियल करता है। क्योंकि दो यू कैन सी दैट कि सर यहां पानी तो सर एक्सियल आ रहा है, बट जब ये ब्लेड में एंटर करेगा तो वो रेडियल ही करेगा, इसलिए इसको रेडियल पंप हम कहते हैं। क्योंकि भाई बच्चे ये सवाल पूछते हैं सर यहां तो आपने रेडियल नहीं दिखा रखा, जब ये फ्लो कर रहा है ना इस ब्लेड में, सो इट इज फ्लोइंग रेडियली, इट इज कमिंग एक्चुअली, बट इट व्हेन इट इज फ्लोइंग इन द ब्लेड इट फ्लो रेडियली, ठीक है, इसलिए हम इसको रेडियल फ्लो पंप कहते हैं। बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। तो जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें, समझ जाना मोस्ट ऑफ द केस में आप रेडियल फ्लो पंप की बात कर रहे हो। ओके, सो एडवांटेज तो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिए थे, और भी बता देता हूं। हाई डिस्चार्ज सबसे बड़ा एडवांटेज है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मेन एडवांटेज बताओ सेंट्रीफ्यूगल पंप का ओवर द रेसिप, सर हाई डिस्चार्ज। फिर पूछा जाए कि दूसरा मेन एडवांटेज बताओ, तो ये होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी लिफ्ट वेरी हाई विस्कस फ्लूड और द फ्लूड विच हैज डिब्रीज। अगर फ्लूड के अंदर कुछ कंकड़ पत्थर भी हैं, यस इट कैन बी, यस यस मैंने बोला ना बेटा इट कैन बी एक्सियल और रेडियल, लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप इन शॉर्ट बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो रेडियल की बात कर रहा है। ये बहुत कम यूज होते हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं, ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं एक्सियल फ्लो और मिक्स फ्लो, ये स्पेशल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में जब भी बोलता है सेंट्रीफ्यूगल, 90% केस में रेडियल फ्लो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। समझ में आया रोशन? सो पॉइंट इज दैट या सो देखिए यहां पर हाई डिस्चार्ज सबसे पहला, दूसरा है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो ऐसे फ्लूड को भी पंप कर सकता है जिसके अंदर कंकड़ पत्थर तक मौजूद हो, या जो कीचड़ है कीचड़ को भी ये लोग क्या कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप शक कर सकता है। या आपने देखा होगा कंक्रीट वगैरह, जो कंक्रीट होती है जो आरसीसी वगैरह में यूज होती है, उसको भी सेंट्रीफ्यूगल पंप कर सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का दूसरा मेन एडवांटेज है इट कैन पंप द वेरी हाई विस्कस फ्लूइड, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो केवल और केवल लेस विस्कस फ्लूड को ही पंप कर सकता है, या पंप उसी फ्लूड को पंप कर सकता है जिसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर या इंप्योरिटी ना हो। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, वॉल को बंद कर देगा, वॉल को क्लॉक कर देगा, पानी आ ही नहीं पाएगा, फ्लूड आ ही नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी रन एट वेरी हाई स्पीड विदाउट एनी डेंजर ऑफ सेपरेशन एंड कैविटेशन। अब कई बच्चे यहाँ इस वाले पॉइंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, इसको हम समझाएंगे। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन रन एट लो स्पीड बिकॉज ऑफ हाई स्पीड प्रॉब्लम ऑफ कैविटेशन एंड द फ्लो सेपरेशन इन साइड पिस्टन सिलेंडर इंजन। सो इनसाइड पिस्टन यहाँ पर कैविटेशन होता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन कहाँ होता है, इनलेट ऑफ द पंपर। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। इस पंप का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है, इसलिए ये कुछ एडवांटेज है विच वी विल गॉट फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल पंप, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आवर सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो कुछ मेन चीजें हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, वो हम देख लेते हैं। सो देखिए ये तो हमारा आउटलेट हो गया, ये जो ब्लेड्स होती है इनको कहते हैं इंपीलर ब्लेड या इंपीलर वेन। यहां पर ड्राइविंग शाफ्ट है, ये आई है जहां से पानी आएगा। वोल्यूट केसिंग है इसके आसपास, जो केसिंग है इसको वोल्यूट केसिंग या वोल्यूट चैम्बर यूज में यूज किया जाता है। ऐसी ही केसिंग हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन में भी यूज कर रहे थे, याद करो। तो इसका कुछ एडवांटेज है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ऐसी ही केसिंग हम फ्रांसिस टर्बाइन में भी यूज कर रहे थे, तो देखेंगे अभी केसिंग पर भी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो ये छोटा सा इसका मैंने लाइन डायग्राम यहां पर आपको शो कर रखा है। सो आप यहां पर देख सकते हो कुछ वोल्यूट केसिंग, इंपीलर जो ब्लेड है उसको इंपीलर कह रहे हैं, वेन्स, यहाँ से डिस्चार्ज आउट होता है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। ये तो हमने अभी जीआईएफ में भी देख लिया था। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। ओके, सो द मेन कंपोनेंट होता है इंपीलर, जो ब्लेड है उसको इंपीलर कह रहे हैं, केसिंग जिसमें ये पंप रखा हुआ है, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप, ये कुछ मेन कंपोनेंट है जो कि होता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ इंपीलर।
इम्पीलर आप समझ रहे हो ना, जिसमें ब्लेड रखी हुई है। सो हमारे पास टाइप ऑफ इम्पीलर यहां पर तीन तरह के होते हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक होता है क्लोज और श्राउडेड इम्पीलर, एक होता है सेमी ओपन इम्पीलर और एक होता है ओपन इम्पीलर। अगर एक डायग्राम दिखाऊंगा तीनों चीजें अपने आप क्लियर होगी। देखो ये है श्राउडेड का मतलब होता है ये जो कवर प्लेट है इसको श्राउड कहते हैं। श्राउडेड इम्पीलर इसका मतलब हमने ये कवर प्लेट लगा रखी है दोनों तरफ, पंप की ये ब्लेड है, दिस इज कॉल्ड इम्पीलर वेन। तो दोनों तरफ अगर ये क्राउन प्लेट या कवर प्लेट लगा दोगे तो ये श्राउडेड इम्पीलर, ओपन या सॉरी क्लोज इम्पीलर। यहां पर अगर एक ही तरफ कवर प्लेट लगाओगे तो ये सेमी ओपन, और अगर कवर प्लेट लगाओगे नहीं तो ये ओपन इम्पीलर कहलाता है। ठीक है, तो यहां तीन तरह के हमारी कंडीशन हो सकती है। अब देखो तीनों का अपना अपना एडवांटेज है। जैसा कि सबसे पहली बात करते हैं क्लोज्ड और श्राउडेड इम्पीलर। माय डियर फ्रेंड, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप लिख लीजिएगा, इतना शॉर्ट कंसाइज में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए ध्यान से लिखते हुए नोट करते हुए चलिए। ओके, तो अगर आपको टाइम चाहिए लिखने के लिए तो मुझे बता दीजिए, करेगा मैं रुक जाऊंगा वहां पर। सो देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं धीरे धीरे पढ़ाने का, स्लोली स्लोली चलने का। सो देखिए क्लोज और श्राउडेड इंपीलर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपने देखा दोनों तरफ हमने कवर प्लेट लगा रखी है। सो वेन्स आर प्रोवाइडेड विद मेटल कवर प्लेट एंड श्राउड ऑन द बोर्ड साइड। कवर प्लेट को ही हम श्राउड कहते हैं। दिस प्लेट और श्राउड्स आर नोन एज क्राउन प्लेट, इसी को क्राउन प्लेट कहते हैं। लोअर और दोनों साइड लगन लोअर बेस पे लगाना है। द क्लोज इम्पीलर इज मोस्टली सूटेड, तो ये जो इम्पीलर है ये उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होता है जहां पर लिक्विड को हमें पंप करना है और लिक्विड प्योर है, उसके अंदर कोई डिब्रीज नहीं है। इसका मतलब कोई डिब्रीज कंकड़ पत्थर नहीं है उस कंडीशन। ओके, टॉपिक एंड ओपन पे दे दूंगा मैं। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं क्लोज और श्राउडेड इंपीलर। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर लॉस कम होगा, लॉस ऑफ वाटर इज लेस। ठीक है, तो इसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छी होती है। क्योंकि आप देख रहे हो जब आपने दोनों तरफ कर्व प्लेट लगा दी तो इंपीलर ब्लेड क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो वाटर का लॉस है वो कम होता है और उस वजह से हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है सेमी ओपन, जो आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में क्या होता है, एक तरफ काउन प्लेट है, एक तरफ श्राउड है और दूसरी तरफ श्राउड नहीं है। तो इस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, ये उस कंडीशन के लिए सूटेबल होता है जहां स्मॉल लेवल ऑफ डिब्रीज है, ज्यादा डिब्रीज नहीं है लेकिन थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर आ सकते हैं या विस्कोसिटी लिक्विड की ज्यादा है, उस कंडीशन में हम सेमी ओपन यूज करते हैं। लेकिन ओपन हम कब यूज करते हैं, जब हमें सपोज जो कंक्रीट है, समझते हो ना कंक्रीट, जिससे कि हम आरसीसी डालते हैं, उसी को अगर आपको पंप करना है तो उसमें वेरी हाई लेवल ऑफ डिब्री है, कीचड़ है, कीचड़ कंकड़ पत्थर, इसको आपको पंप करना है, वेरी हाई लेवल ऑफ डिब्री, उस कंडीशन में आप ओपन इंपीलर यूज करते हो। तो यहां पर ना तो क्राउन प्लेट होती है ना बेस प्लेट होती है। एंड इट इज यूज टू पंप सीवरेज वाटर। आपने देखा होगा जो हमारे सीवरेज का पानी होता है उसको साफ करने के लिए म्यूनसिपलिटी का ट्रक आता है, वहां पर एक पंप यूज किया जाता है और सीवरेज के वाटर को वो सक करके ले जाता है। टैंक जो हम लोग बनाते हैं सीवरेज के पानी के लिए या सीवरेज डिस्चार्ज के लिए जो टैंक हम लोग बनाते हैं उसको शक करके या साफ करके ले जाता है, तो वहां पर जो पंप यूज करता है वो ओपन इम्पीलर टाइप का होता है। तो सीवरेज वाटर जिसमें सैंड ग्रिड वगैरह यूज है या पेपर पल्प कागज की लुगदी सस्पेंडेड सॉलिड मैटर्स, इन तरह के जो लिक्विड्स हैं उनके लिए हम लोग ओपन इम्पीलर यूज करते हैं। सो वी जनरली यूज ओपन इम्पीलर फॉर वेरी हाई डिब्रीज, वेरी हाई अमाउंट ऑफ डिब्रीज। तो तीनों का अपना अपना एप्लीकेशन है, समझ में आ गया। ठीक है, सो रोशन लिख लीजिए इसको, मनीष समझ में आया, लवली यहां तक समझ में आया आपको, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, मनीष यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ओके, चलिए मनीष लवली क्लियर है यहां तक?
यहां तक क्लियर है? तीनों क्लियर है? टाइप ऑफ इंपीलर। अरे सो गए क्या सब लोग? सुनते सुनते या आईपीएल देखने चले गए? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ केसिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सुनना ढंग से। टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ केसिंग। सो केसिंग के टाइप से हमारे पास तीन तरह के आप सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम सुनोगे, एक वोल्यूट केसिंग पंप, एक वर्टेक्स केसिंग पंप और एक होता है डिफ्यूजर रिंग पंप। अब ये तीनों पंप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनका काम है, इनके बारे में हम यूज करते हैं। देखिए ध्यान से सुनना जो चीज मैं बताने चाह रहा हूं, ओके उस पर पहुंचना, इधर उधर मत चले जाना। ओके सो आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे अभी चाहिए। देखिए होता क्या है, जब इस पंप से ये जो इंपीलर ब्लेड है जब पानी बाहर निकलेगा, सो इट विल कम आउट विद द सर्टेन वेलोसिटी। ये जब आएगा तो ये किसी वेलोसिटी से बाहर आएगा, ठीक है। अब आपका अगर 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 यहां पर जो पानी जिस वेलोसिटी से आ रहा है, किस जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए मैंने इतना हेड, इतना पावर सप्लाई किया पंप में, दैट इज पावर हेड, इतना सप्लाई किया, तो मेरा जो मैनोमेट्रिक हेड डेवलप्ड होगा वो इस डिस्चार्ज वेलोसिटी की वजह से कम होगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो मेरे किसी काम की नहीं है। पंप का काम यहां पर वेलोसिटी को राइज करना नहीं है, पंप का काम है पोटेंशियल हेड को राइज करना। तो सर सो देखिए यहां पर पंप का काम वेलोसिटी को राइज करना नहीं है, क्योंकि अगर जब यहां से पानी बाहर निकलेगा, जब यहां से फ्लूड बाहर निकलेगा, सो डेफिनेटली किसी ना किसी वेलोसिटी से तो बाहर निकलेगा, और जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है फ्लूड वो वेलोसिटी विल लॉस एज अ एग्जिट लॉस। सो माई डियर फ्रेंड यहां पर क्या होगा कि अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी ज्यादा होती है तो पंप के द्वारा डेवलप्ड किया गया मैनोमेट्रिक हेड कम हो जाता है, जिससे कि जो पंप की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पंप का काम क्या है, पंप का काम है हेड को डेवलप करना, तो जितना हेड ये डेवलप करना चाहिए था उतना डेवलप ये नहीं कर पा रहा, और अगर ये इतना हेड डेवलप नहीं कर पा रहा तो पंप की एफिशिएंसी यहां पर कम हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड मोर द डिस्चार्ज वेलोसिटी लेस द एफिशिएंसी ऑफ द पंप। तो जितना ज्यादा डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है उतना ही एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि पंप का काम यहां पर वाटर की वेलोसिटी को राइज करना नहीं था, इस वजह से आप मैनोमेट्रिक हेड जो डेवलप्ड होना चाहिए था वो डेवलप यहां पर नहीं कर पाते। सो दिस इज कॉल्ड वोल्यूट केसिंग पंप, ठीक है। तो वोल्यूट केसिंग पंप में क्या होता है, सिंपल इंपीलर ब्लेड और उसके बाद ये केसिंग लगी होती है जिसको हम वोल्यूट या स्पाइरल केसिंग कहते हैं, इसलिए इसको वोल्यूट केसिंग पंप कहते हैं। तो इसके अंदर जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इस पंप की एफिशिएंसी काफी कम होती है। तो जितना ये हेड डेवलप्ड करना चाहिए था उतना ये हेड डेवलप्ड नहीं कर पाएगा, तो इसी वजह से इस पंप की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जो इनिशियली पंप डेवलप्ड हुआ था सेंट्रीफ्यूगल पंप वो यही था, और यहां पर मेन प्रॉब्लम जो फेस की गई वो यही थी कि पंप से जिस वेलोसिटी से वाटर जा रहा था उस वजह से जितना पंप हेड डेवलप्ड कर सकता था पंप डेवलप्ड नहीं कर पाया, उसकी वजह से पंप की एफिशिएंसी कम आ रही थी। तो एक बंदा आया, इसका नाम है जे थॉमसन, नाम पढ़ोगे जे थॉमसन, यहां तक क्लियर है? तो भैया वोल्यूट केसिंग पंप समझ में आ गया, वोल्यूट केसिंग पंप इनिशियल पंप था जिसके अंदर इंपीलर ब्लेड के बाद वोल्यूट या केसिंग लगाई जाती है डायरेक्टली, That is called volute casing pump।
वॉल्यूट केसिंग पंप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वॉल्यूट केसिंग पंप से जब पानी बाहर जाता है, फ्लूड बाहर जाता है, सो इट हैव लार्ज डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो लार्ज डिस्चार्ज वेलोसिटी होने की वजह से जितना मैनोमेट्रिक हेड ये डेवलप्ड करना चाहिए था, इतना मैनोमेट्रिक हेड ये डेवलप नहीं कर पाता, जिससे कि पंप की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इनिशियल में जो पंप डेवलप्ड हुआ, दैट वाज अ वॉल्यूट केसिंग पंप। इसके बाद ये जो साइंटिस्ट हैं, जे थॉमसन, ये आते हैं और वो मॉडिफाई करते हैं इस पंप को। अब देखिए, माइंड ब्लोइंग मॉडिफिकेशन है, मजा आ जाएगा आपको। तो वो इस पंप को मॉडिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, लेट्स सी। वो इस पंप को मॉडिफाई करेंगे कैसे करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या हो रखा है, हाउ ही इज गोइंग टू मॉडिफाई दिस पंप, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। हाउ ही गोइंग टू मॉडिफाई दिस पंप इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। अरे बाबा, चलिए। अब जे थॉमसन कहते हैं कि यार, इन द केस ऑफ फोर्स वर्टेक्स, वेलोसिटी इनटू रेडियस इक्वल टू कांस्टेंट। जब हमारा फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सुनना, ध्यान से सुनना, नहीं तो बुकों में ये एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, ठीक है, भूल जाना, बुक्स में ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तुमको। सुनना ढंग से, यहां पर जे थॉमसन कहते हैं कि फोर्स वेलोसिटी, फोर्स वर्टेक्स मोशन में वेलोसिटी एंड रेडियस इज मल्टीप्लीकेशन इज कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स एज वी इंक्रीज द, एट वी इंक्रीज द रेडियस, द वेलोसिटी विल डिक्रीज। जैसे हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मजेदार बात, वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो इसने कहा कि जब पानी यहां पर हाई वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, तो पानी केसिंग में जाने से पहले उसको एक वर्टेक्स चेंबर में रोटेट कराओ। वर्टेक्स चेंबर जैसे वर्ल्ड फुल वॉशिंग मशीन, वैसा ही कुछ चेंबर है सिंपल, जिसमें पानी रोटेट करेगा, मतलब वर्टेक्स मोशन में रोटेट करेगा। एक चेंबर बनाया जिसको बोला वर्टेक्स चेंबर। तो केसिंग से पहले इसने एक चेंबर डिजाइन किया, दैट इज नोन एज वर्टेक्स केसिंग। अब यह कहता है कि जब पानी इंपीलर ब्लेड से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद पहले तुम उसको वर्टेक्स चेंबर में रोटेट कराओ। जैसे ये वर्टेक्स चेंबर में रोटेट करेगा, तो वर्टेक्स चेंबर में क्या होगा, जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो रेडियस बढ़ती जाएगी, और रेडियस बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी डिस्चार्ज की अपने आप कम होती जाएगी। तो जब ये बाहर निकलना स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली यहां से क्या होगा, वीडी डिस्चार्ज वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो जे थॉमसन कहता है कि आप एक काम करो, देखो होता क्या है कि इन केस ऑफ फोर्स वर्टेक्स मोशन द वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो बिफोर गोइंग इन द वॉल्यूट केसिंग, आप एक काम करो, जो फ्लूड है उसको एक वर्टेक्स चेंबर में रोटेट कराओ। तो जब उसको वर्टेक्स चेंबर में आप रोटेट कराओगे, तो चूंकि वर्टेक्स चेंबर में रेडियस बढ़ेगा, जैसे से आगे बढ़ता जाएगा तो रेडियस बढ़ता जाएगा, तो रेडियस बढ़ता जाएगा तो जो सर्कुलर वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। सो अल्टीमेटली व्हेन इट गोज थ्रू द वॉल्यूट केसिंग, द डिस्चार्ज वेलोसिटी विल रिड्यूस। सो दैट वाज अ प्रिंसिपल ऑफ द वर्टेक्स केसिंग पंप। तो वर्टेक्स केसिंग या वर्टेक्स केसिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो इस केसिंग से फायदा यह होता है कि डिस्चार्ज वेलोसिटी हमारी कम हो जाती है, जिससे कि लॉस कम हो जाता है, लॉस कम होने से एफिशिएंसी हाई हो जाती है। सो ये हमारा इनोवेशन है, हम यहां से यहां पहुंचे। तो इनिशियल में जब सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया गया था, तो इंपीलर ब्लेड के बाद डायरेक्टली वॉल्यूट केसिंग लगा दी गई। उसके बाद जे थॉमसन ने इसको मॉडिफाई किया, तो केसिंग को वो वर्टेक्स चेंबर के बाद लगाता है। पहले वर्टेक्स चेंबर में फ्लूड रोटेट होता है, और जैसे ही वर्टेक्स चेंबर में फ्लूड रोटेट होता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब वो वॉल्यूट केसिंग से बाहर जाता है तो उस वजह से उसकी डिस्चार्ज वेलोसिटी कम होती है। सो दैट वाज अ प्रिंसिपल ऑफ द वॉल्यूट केसिंग। तो हाउ वी आर यूजिंग अ वॉल्यूट केसिंग है। अरे बात समझ में आई यहां तक? अरे बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया दोनों का?
ये पॉइंट समझ में आया? सो ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है वॉल्यूट केसिंग एंड वर्टेक्स केसिंग के अंदर। तो वर्टेक्स केसिंग में हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, वर्टेक्स के अंदर पहले फ्लूइड रोटेट करता है, उसके बाद ये वॉल्यूट से या केसिंग से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज वेलोसिटी कम हो जाती है, और डिस्चार्ज वेलोसिटी कम होने से द डेवलपमेंट ऑफ मैनोमेट्रिक हेड बढ़ जाता है, और मैनोमेट्रिक हेड का डेवलपमेंट जब बढ़ जाता है सो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। सो इसी के बारे में कुछ गुणगान गाया जा रहा है, देखिए। सो वॉल्यूट पंप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि केसिंग विल बी स्पायरल शेप सो दैट वेलोसिटी थ्रू द आउट ऑफ पेरिफेरी विल बी कॉन्स्टेंट इन वॉल्यूट केसिंग, देयर ओनली स्लाइटली इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द पंप बिकॉज इट रिड्यूस द लॉस इन। ओके, जे थॉमसन मॉडिफाइज द वॉल्यूट पंप बाय प्रोवाइडिंग वर्टेक्स चेंबर इन बिटवीन द इंपीलर ब्लेड एंड द वॉल्यूट और स्पायरल केसिंग। When fluid rotate in the vortex chamber, this rotation become free vortex motion and V is inversely proportional to so. So as radius increase in the vortex chamber, velocity of fluid convert in the pressure energy. So vortex chamber serves a dual purpose of reducing velocity and increase the efficiency of the pump by converting the large amount of kinetic energy into the pressure energy. So basically vortex chamber casing pump will have a larger efficiency. Okay, I hope you understand. बात समझ में आ गई, लिख लिया रोशन, लवली, यहां तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, यहां तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यहां तक नोट डाउन कर लिया तो आगे चढ़े, यहां तक नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़े। चलिए, सो ये तो था हमारा जे थॉमसन और नॉर्मल, इसके बाद जो पंप आए उसमें तो कंसेप्ट ही अलग यूज किया जाता है। यस यस, सो इसके बाद जो पंप आते हैं उसके अंदर कंसेप्ट ही अलग यूज किया गया, और इनको हम बोलते हैं डिफ्यूजर और टर्बाइन पंप। तो इन पंप में देखिए क्या कंसेप्ट यूज किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, ये वॉर्टेक्स और वॉल्यूट के बाद जो पंप आते हैं इनको बोलते हैं डिफ्यूजर रिंग केसिंग पंप। तो इन पंप में बेसिकली प्रिंसिपल हम ये यूज करते हैं कि ये हमारी इंपीलर ब्लेड है, सपोज उसके बाद हम एक इसके आसपास एक प्लेट लगाते हैं जिसको हम डिफ्यूजर रिंग कहते हैं, इस तरह की प्लेट लगाते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजर रिंग। तो इस प्लेट के अंदर जो पासेस बने होते हैं वो बेसिकली डाइवर्जिंग टाइप ऑफ पासेस बने, इस तरह के पासेस बने होते हैं, दे आर जस्ट डाइवर्जिंग टाइप ऑफ पासेस। सो इस पासेस के थ्रू जब फ्लूड पास होता है, जब इन पासेस से फ्लूड निकलता है, तो इसका मतलब यहां पर डाइवर्जिंग सेक्शन बना हुआ है। तो जैसे जैसे इन पासेस के थ्रू फ्लूड बाहर जाता है तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, और एरिया जब इंक्रीज होगा, सो भैया आप लोग अच्छे तरह से जानते हो कि सर बर्नौली इक्वेशन कहता है पी बाई ओमेगा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो सर जहां पर एरिया बढ़ेगा वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और ये जब वेलोसिटी कम होगी तो दैट वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू द प्रेशर हेड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक डिस्क लगा देते हैं इंपीलर बेड के बाद, जिसको डिफ्यूजर रिंग कहते हैं, रिंग कॉलर डिफ्यूजर रिंग। तो इसके अंदर जो पासेस बने होते हैं वो कन्वर्ज डाइवर्जिंग टाइप ऑफ पासेस बने होते हैं। तो जब यस वेलोसिटी डिक्रीज एंड दैट वेलोसिटी हेड विल कन्वर्ट इनटू प्रेशर हेड। तो जब ये फ्लूड इन डाइवर्जिंग पासेस से पास होता है तो एरिया इस डाइवर्जिंग पासेस का इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से वेलोसिटी कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो दैट वेलोसिटी हेड विल कन्वर्ट इनटू द प्रेशर हेड। सो अल्टीमेटली व्हेन फ्लूड पास थ्रू द टर्बाइन तो डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है यहां पर। तो जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट यहां पर नेग्लिजिबल हो जाती है, तो यहां पर कंप्लीटली लॉसेस को रिकवर कर लिया जाता है। ओके, इन केस ऑफ डिफ्यूजर रिंग केसिंग। तो ये डिफ्यूजर रिंग केसिंग, बट ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो डिजाइनिंग होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसका जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है इन दोनों पंप से। सो इनको हम टर्बाइन पंप भी कहते हैं और डिफ्यूजर पंप भी कहते हैं, या फिर
जो भी आपको नाम देना है। ओके, सो तीन तरह की हमारी डिजाइनिंग है जो आपने समझी यहां पर। यहां तक क्लियर हुआ सब लोगों को? इज दैट क्लियर और नॉट? अरे इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो बताओ। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? तीनों पंप समझ में आ गए, पंप के टाइप समझ में आ गए, यस और नो? मनीष कुमार, वेरी गुड, ओके, लवली, समझ में आया? रोशन, समझ में आया यहां तक? लवली, रोशन, सो देखिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की। सो देखिए जब हम लोग पंप की बात करते हैं तो ओके सिद्धार्थ आई थिंक टू एंड थ्री मंथ वी कैन एक्सपेक्ट द एग्जाम। चलिए लवली आगे बढ़ते हैं। सो अब हमने यहां पर पंप का वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहे, ठीक है? पंप का हम यहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ द पंप तो वी जस्ट रिप्रेजेंटेड दैट। अच्छा एक और बात आप याद रखिए, जब भी हम ब्लेड बनाएंगे पंप में तो यहां पर हम कौन सी ब्लेड यूज करते हैं? बैकवर्ड कर्व ब्लेड। सो वी आर यूजिंग अ बैकवर्ड कर्व ब्लेड हेयर, वी आर यूजिंग अ बैकवर्ड कर्व ब्लेड हेयर। Why? क्योंकि बेटा वैक्सीन लगते ही इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता, टाइम लगता है इस चीज का। सो देखिए यहां पर हम बैकवर्ड, मेरे को यार ट्रायंगल वापस बनाना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ ओपन बोर्ड पे बना लेता हूँ, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, सो आई हैव टू टेक द ओपन बोर्ड हेल्प। ओके चलिए, सो माय डियर फ्रेंड देखिए यहां पर जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की तो हम लोग यहां पर कौन सी कर्व ब्लेड यूज करते हैं? हमेशा याद रखिएगा बैकवर्ड कर्व ब्लेड, अगर कुछ भूल जाओ तो भी वी ऑलवेज यूज अ बैकवर्ड कर्व ब्लेड हेयर। सो देखिए बैकवर्ड कर्व ब्लेड विल बी लाइक दिस। सो यहां पर जो हमारा टर्बाइन है दैट इज द रेडियल फ्लो टर्बाइन, तो यहां पर बेस सॉरी रेडियल फ्लो पंप, तो यहां पर VW1 क्या होगा आपका? जीरो होगा। सो इन दिस केस द VW1 इज गोइंग टू बी जीरो। सो सपोज वी हैव दिस रिलेटिव वेलोसिटी VR1, दिस इज V1, ये हो जाएगा हमारा U1। सो मनीष जब हम लोग टाइप ऑफ ब्लेड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्योंकि बैकवर्ड कर्व ब्लेड में जैसे हम यस लवली देखो बैकवर्ड कर्व ब्लेड हम हमेशा कोई भी रोटोडायनेमिक मशीन हो तो हम बैकवर्ड कर्व ब्लेड यूज करते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको फॉरवर्ड कर्व बैकवर्ड कर्व ब्लेड का कुछ डायग्राम्स बताऊं सो आप देखिएगा यहां पर इन केस ऑफ देखिए मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं बिटवीन पावर कंजप्शन एंड द डिस्चार्ज सप्लाई। सो आई एम जस्ट डिजाइनिंग अ डायग्राम। देखो अगर हमारे पास रेडियल कर्व ब्लेड होगा तो जैसे जैसे डिस्चार्ज आउटपुट बढ़ता है पावर कंजप्शन हमारा बढ़ता है, लीनियर रेट से बढ़ता है। सो इसको बोलते हैं रेडियल ब्लेड। जैसे जैसे लेकिन अगर हमारे पास फॉरवर्ड कर्व ब्लेड है तो जैसे जैसे हमारा डिस्चार्ज इंक्रीज होता है, ज्यादा हमें डिस्चार्ज की जरूरत होती है तो पावर कंजप्शन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। सो एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज द पावर कंजप्शन इज वेरी वेरी हाई, तो उस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। बट
इन केस ऑफ बैकवर्ड कर्व ब्लेड द पावर कंजप्शन विल डिक्रीज एज द डिस्चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज. बैकवर्ड कर्व ब्लेड. सो दिस इज द थ्री कंडीशन. तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद हमारी जो फॉरवर्ड कर्व ब्लेड है वो बिल्कुल ही वर्क करना बंद कर देती है, क्योंकि द अवेलेबल पावर विल नॉट बी सफिशियंट टू रन द बैकवर्ड कर्व ब्लेड, बिकॉज एट हाई वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इट रिक्वायर्ड वेरी हाई पावर कंजप्शन. तो इन दिस इसी कंडीशन की वजह से जितनी भी रोटो डायनेमिक मशीन्स होती है, लाइक पंप हुआ, कंप्रेसर हुआ, ब्लोअर्स हुआ, वी जनरली यूज अ बैकवर्ड कर्व ब्लेड. वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ फॉरवर्ड कर्व ब्लेड एट ऑल. लवली, समझ में आया यहां तक? यस ओ नो? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ओके. सो देखिए, जब यहां से फ्लूइड बाहर निकलता है सो इट इज कमिंग आउट विद अ सर्टेन रिलेटिव वेलोसिटी, विद अ सर्टेन रिलेटिव वेलोसिटी. सो जब यहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो किसी वेलोसिटी से आएगा, दिस इज नोन एज वीआर टू. उसके बाद हमारा जो टर्बाइन है वो जब हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी डायमीटर ज्यादा होती है. सो व्हेन वी आर कमिंग आउट विद द डायमीटर विल बी हाई. सो जब हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे तो हमारी डायमीटर ज्यादा होगी, इसकी वजह से जो यू टू वेलोसिटी, या ये रेडियल इनलेट है इसलिए VW1 इज जीरो है, और उसके बाद ये हमारा क्या होता है V2. तो जब भी आप लोग देखोगे पंप का डायग्राम तो आप ये देखोगे. सो ये हमारी U2 वेलोसिटी होगी, ये VR2, और ये हमारा बनेगा V2. ठीक है. अब देखिए V2 से जो बनने वाला एंगल है दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल, इसको हम α2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने और बाकी टर्बाइन में भी यूज किया है. VR2 से बनने वाला एंगल इसको β2 में कह रहा हूँ. किसी बुक में फाई होगा, किसी बुक में अल्फा होगा, सबका अपना अपना नोटेशन है, मैं इसको β2 कह रहा हूँ. यहां पर ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा β1, एंड दैट इज कॉल्ड एज α1. सो β2 इज ऑल्सो नोन एज वेन एंगल, और कई बार हम इसको ब्लेड एंगल भी कहते हैं, वेन एंगल कहते हैं, या इंपीलर वेन एंगल. सो वी आर सीइंग दिस, दिस इज द वेन एंगल. तो ये हमारा वेलोसिटी ट्राइंगल होता है फॉर द सेंट्रिफ्यूगल पंप. अब देखिए, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाता है हमारे पास, VW2. सो दिस विल बी द VW2 है. V2 का वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है, VF2. तो दिस विल बी द VF2 है. यहां पर V1 और VF1 क्या होंगे, बराबर होंगे, दैट इज द VF1. तो ये हमारा होता है वेलोसिटी ट्राइंगल फॉर द सेंट्रिफ्यूगल पंप. सो दिस इज अवर वेलोसिटी ट्राइंगल फॉर द सेंट्रिफ्यूगल पंप. दिस इज अवर वेलोसिटी ट्राइंगल फॉर द सेंट्रिफ्यूगल पंप. सो अगर हम पावर की बात करें तो पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है आप लोगों को सबको पता है, VW2 U2 - VW1 U1. अब ये वाला कंपोनेंट तो जीरो है, तो पावर सप्लाई इन द पंप इज VM.VW1 VW2 U2, एंड दिस एम डॉट इज नथिंग बट डेंसिटी इन टू डिस्चार्ज VW2 U2. सो दिस इज द पावर सप्लाई इन द पंप. तो ये हम लोग सप्लाई कर रहे हैं. सो दिस इज द पावर देखिए सेंट्रिफ्यूगल पंप में रेडियल इनलेट है. नो वैसा रोशन गलत समझ रहे हो बेटा, यहां पर इनलेट रेडियल है, इनलेट रेडियल है, ठीक है, बट आउटलेट पर देखो, आउटलेट पर हमारे पास ब्लेड एंगल होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा. आउटलेट पर जब बाहर निकलेगा तो इस ऐसे बाहर निकलता है, आउटलेट पे भी जीरो हो गया तो पावर सप्लाई जीरो हो जाएगा फिर तो, ठीक है. इनलेट पर हमारे पास, क्योंकि देखो हमको यहां पावर सप्लाई करनी है तो ये वाला जीरो होना चाहिए, ये हमारा जीरो है. इनलेट पर हमारे पास जीरो है, VW1 इज जीरो, इनलेट इज रेडियल, सो VW1 हेयर इज जीरो. अच्छा, VW1 हम जीरो क्यों कर रहे हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट बात होती है. VW1 हम जीरो क्यों कर रहे हैं,
why we want to use VW1 equal to 0. So to avoid shock entry को avoid करने के लिए हम लोग यहाँ पर VW1 को 0 रखते हैं. अदरवाइज यहाँ पर बहुत शॉक होते हैं, फ्लो जो है टर्बुलेंट होता है, प्रेशर लॉसेस बढ़ जाते हैं इनसाइड द ब्लेड ऑफ द वेन. सो यहाँ तक क्लियर है? अरे डायग्राम बना लिया या नहीं बनाया आपने? अरे बच्चों डायग्राम बनाया ये या नहीं बनाया? ये डायग्राम बन गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो या तो डायग्राम बना लो. डायग्राम बन गया, मनीष वेरी गुड. यस देखो ब्लेड का अंतर है वहां पर, जब ब्लेड बनाते हैं ना, यस टर्बाइन के केस में जीरो हो जाता है. क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं, देखो दोनों में ब्लेड का अंतर है, मैं बताता हूं आपको. जब हम टर्बाइन की बात करते हैं, ठीक है, टर्बाइन में हमारा इनलेट क्या होता है, इनलेट यहां से होता है, तो ब्लेड इस तरह से रेडियल होती है, देखो ऐसे ये आता है हमारा. सो इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, रोटेशन की डायरेक्शन में नहीं आएगा. लेकिन जब हम बात करें पंप की, तो पंप में हमारे पास इनलेट, जब हम बात करें पंप की, सो पंप में हमारे पास इनलेट इस तरह का होता है, ये इनलेट ऐसे होता है, इनलेट हमारा रेडियल लाइक दिस होता है, और जब बाहर निकलते हैं तो किसी एंगल से निकलते हैं, तो इनलेट पर हमारा फिर पंप में रेडियल होता है. तो उस वजह से जो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो जीरो बनेगा. अबे इसमें भी निकलता तो ऐसे ही है ना यार, निकलता तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी आप वहां पर एंगल लेते हो ना, तो दोनों में डिफरेंस होता है ब्लेड का. ब्लेड रेडियली अगर टेंजेंट है तो अलग होगा, ब्लेड रेडियली टेंजेंट नहीं है तो अलग होगा. चलो अभी मैंने आपको ब्लेड के बारे में समझा दिया कि वाई वी आर टेकिंग द बेड. तो हमारे पास तीन तरह की ब्लेड होती है, एक होता है फॉरवर्ड कर्व ब्लेड, एक होता है बैकवर्ड कर्व ब्लेड, अभी जो हमने बनाया कि हमारा रोटेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बैकवर्ड कर्व ब्लेड बनाई थी. सो बैकवर्ड कर्व ब्लेड में क्या था, ये बैक हमारा बैकवर्ड था और रोटेशन ऐसे हो रहा था, दिस इज बैकवर्ड कर्व ब्लेड. इसका रिवर्स अगर बना दोगे, दिस इज फॉरवर्ड कर्व ब्लेड, और ये हो जाता है हमारा रेडियल कर्व ब्लेड. सो देखिए हम लोग यहां पर फॉरवर्ड कर्व ब्लेड इसलिए यूज नहीं करते, फॉर एज आई इंक्रीज द डिस्चार्ज द पावर कंजप्शन राइज, बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड कर्व ब्लेड द एडवांटेज विल बी एज वी इंक्रीज द डिस्चार्ज द हेड डेवलप विल बी लो मोर. फॉरवर्ड कर्व ब्लेड में हेड डेवलप मोर होता है, लेकिन हेड डेवलप तो हो जाएगा लेकिन पावर कंजप्शन काफी ज्यादा होने लगता है, इसलिए हम लोग फॉरवर्ड कर्व ब्लेड को यूज करते हैं एज कंपेयर टू बैकवर्ड कर्व ब्लेड. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल अभी हमने बनाया था, दिस इज वी आर टू वी टू अल्फा टू बीटा टू, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया है. ओके चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं अलग अलग हेड की. तो देखिए जब आप पंप लगाते हो तो पंप का, विच डायग्राम दिस, देखिए जनरली ये वाला जो डायग्राम है आप पंप के लिए बनाते हो, टर्बाइन के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं रोशन, टर्बाइन के लिए हम लोग ऑलरेडी अलग से डायग्राम बनाया है. तो ये वाला डायग्राम हम 90% केस में पंप के लिए बनाते हो, टर्बाइन के लिए हम अलग बनाते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्योंकि टर्बाइन में जो एग्जिट वेलोसिटी U2 होता है, ब्लेड वेलोसिटी, वो कम होता है ना कि ज्यादा होता है.
तो ये यहीं पर खत्म हो जाता है हमारा, फिर ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आता है, ये टरबाइन के लिए बनता है, ठीक है, क्योंकि टरबाइन में जब बाहर निकलता है तो स्मॉल रेडियस से बाहर निकलता है, और जब पंप में बाहर निकल रहा है तो लार्जर रेडियस से बाहर निकल रहा है, तो एग्जिट वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पंप एट एग्जिट विल बी हायर। सो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं हेड की, तो देखिए हमारे पास क्या क्या हेड होती है। ये हमारा पंप होता है, पंप का काम क्या होता है, किसी लेवल से पानी को सक करना और किसी हायर लेवल पर लेके जाना। सो जिस लेवल से पानी को ये शक करता है, यार अभी मैंने बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्बाइन एंड पंप, लवली यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस, यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस। टर्बाइन का काम पावर डेवलप्ड करना होता है बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, पंप का काम होता है पोटेंशियल एनर्जी को राइज करना बाय द सप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल पावर इनपुट। एक दूसरे के रिवर्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। सो देखिए यहां पर क्या होता है, ये सक्शन हेड है, ये हमारा डिलीवरी हेड है, और ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है। तो हम लोग पंप में कितना पावर डेवलप या कितना हेड डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैनोमेट्रिक हेड। तो पंप का काम क्या होता है, यहां से सक करना, यहां पर डिलीवर करना विद सर्टेन वेलोसिटी, इट कैन डिलीवर विद द। सो देखिए ये जब यहां पे शक करता है तो उसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन लॉस भी होंगे, दैट इज फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन पाइप। फिर यहां पर जब डिस्चार्ज करता है तो उसकी वजह से कुछ डिस्चार्ज सक्शन पाइप में डिलीवरी लॉस भी होंगे, और जिस वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड है, या फिर हम बोलें जो पंप डेवलप करेगा, ओके अच्छा यहां तक ठीक है, चलो थोड़ा स्लो कर लेते हैं, चलो आराम से है ना। चलिए रोशन के कहने पे थोड़ा सा स्लो करते हैं, जल्दी नहीं पढ़ाते हैं। ओके सो बात हमारी यहां पर ये है, वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ गया आप लोगों को, वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, पंप का हम काम समझते हैं। पंप का काम ये होता है कि किसी भी सम या किसी भी वाटर लेवल से पानी को शक करना और कहीं पर डिस्चार्ज करना, ठीक है। सो पंप कितना हेड डेवलप्ड करना चाहिए, उस हेड को हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। पंप को कितना हेड डेवलप करना चाहिए उसको हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। सो पंप यहां से शक कर रहा है, दैट इज सक्शन है, यहां पर डिलीवर कर रहा है, दैट इज डिस्चार्ज है, ठीक है। बट जब पानी यहां पर शक करेगा तो क्या होगा, पाइपलाइन में फ्रिक्शन होगा, तो उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस होगा, दैट इज लॉस इन पाइप। और जब डिलीवर करेगा तो यहां पर भी क्या होगा, कुछ लॉस होगा, दैट इज द लॉस इन डिलीवरी पाइप। और अगर किसी वेलोसिटी से पानी बाहर जा रहा है तो दैट इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। सो पंप कितना टोटल हेड डेवलप्ड करे मिनिमम सू शक द वाटर फ्रॉम दिस बेस या बॉटम एंड डिलीवर टू दिस हाइट। सो दिस हेड इज बेसिकली नोन एज मैनोमेट्रिक हेड, कि भाई पंप हमारा कितना वाटर डेवलप्ड करे कि यहां से वो पानी को खींच पाए और यहां पर डिलीवर कर पाए, तो इस हेड को हम कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। तो यहां से यहां तक की हाइट सक्शन प्लस खींच के यहां पर भेजना डिलीवरी, प्लस जो लॉस हो रहा है सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में, प्लस वाटर जिस काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहा है या डिस्चार्ज वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, दैट इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी है। तो इतना हमारा पंप पावर या हेड डेवलप करना चाहिए टू डिलीवर दिस वाटर दिस एट दिस हाइट। ओके
यहां तक क्लियर है? सो दिस इज द टोटल हेड जिसको हम बोल रहे हैं मैनोमेट्रिक हेड. इट इज अ टोटल हेड मस्ट बी डेवलप्ड बाय द पंप. इट इज अ टोटल हेड मस्ट बी डेवलप्ड बाय द पंप. अगर इससे कम हेड पंप ने डेवलप किया सो हमारा जो पानी है वो राइज नहीं हो पाएगा. सो इसको नोट कर लीजिए रोशन, इसको नोट कर लीजिए. आई एम गिविंग योर टाइम, नोट कर लीजिए. ओके, वंस अगेन देखिए, हमने एक पंप लगाया. पंप क्या करेगा, इधर से खींचेगा और ऐसे ऊपर डाल देगा. जो खींच रहा है उसके लिए पंप को वैक्यूम डेवलप करना पड़ेगा, और जब पंप कहीं पर डालेगा तो उसके लिए उसको प्रेशर राइज करना पड़ेगा. ठीक है, प्लस जब पानी वो खींचेगा तो पाइप के अंदर पानी फ्लो करेगा, तो फ्लो करने की वजह से होगा क्या, यहां पर कुछ फ्रिक्शन लॉस होंगे. ओके, तो और ज्यादा यहां पर आपको लोअर प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा टू सक द वाटर. और जब आप डिलीवर करोगे सो पानी डिस्चार्ज पाइप में फ्लो करेगा, सो वहां पर भी लॉस होंगे. तो उन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए आपको और ज्यादा प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा. अब पानी किसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, तो जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है वो वेलोसिटी भी तो किसने सब वो कहां से आई होगी, जो पंप में तुमने एनर्जी सप्लाई की है, और वो एनर्जी जो हेड में डेवलप नहीं हो पाई वही तो हमारी डिस्चार्ज वेलोसिटी हेड होगा, वही वेलोसिटी हमारी एज ए लॉस चली जाएगी. सो मैनोमेट्रिक हेड इज अ मिनिमम हेड विच पंप मस्ट टू जनरेट टू सप्लाई अ वाटर एट हायर रिजर्वायर एंड टू सक द वाटर फ्रॉम द लोअर सम. हायर रिजर्वायर पे वाटर को डालने के लिए और लोअर रिजर्वायर से वाटर को शक करने के लिए जितना आपके पंप को हेड डेवलप्ड करना है, दैट हेड इज नोन एज मैनोमेट्रिक हेड. और ये मैनोमेट्रिक हेड क्या होगा, सक्शन हेड जहां से खींचते हो वो हेड, प्लस जहां पर डालोगे वो हेड, प्लस जो फ्रिक्शन लॉस हो रहे हैं दोनों पाइप में, प्लस जिस काइनेटिक एनर्जी से पानी बाहर जा रहा है, दिस इतना टोटल हेड आपको यहां पर फ्लूड को देना होगा, तब जाके वो लो हेड से आप उसको उठा के हाई हेड पे डाल पाओगे. सो दिस इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड. सो भाई समझ में आया या नहीं सर? लवली अब समझ में आया बेटा, अब समझ में आया आपको बात? यस ऑर नो? ओके, अब हम बात करते हैं. ये मत समझ में आ गई मैनोमेट्रिक हेड क्या है, ये तो पंप को सप्लाई करना है, ठीक है, टू राइज द वाटर फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर टू सप्लाई वाटर टू हायर रिजर्वायर, ये तो पंप को सप्लाई करना है, दैट इज अ मैनोमेट्रिक हेड. बट जो पंप डेवलप कर रहा है भाई, पंप को पंप कितना डेवलप कर रहा है, दैट इज एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू, ये पंप डेवलप कर रहा है. हेलो मोहिंदर, ये पंप डेवलप कर रहा है. अगर आपको इसको हेड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, एम डॉट बाई जी से अपॉन कर देंगे. सो माय डियर फ्रेंड, ये वो हेड होगा जो तुम्हारा पंप डेवलप्ड कर रहा है. तो ये हमारे पंप ने डेवलप कितना किया, वी डब्ल्यू टू यू टू बाई जी, ये हमारे पंप ने डेवलप किया. ये पंप को मस्ट डेवलप करना, मिनिमम इतना तो करना ही है, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है कि पंप जो थोड़ा ज्यादा करेगा, क्योंकि जो पंप है वो
रोटेट जब करेगा तो देयर विल बी अ लॉसेस, लाइक फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते हैं, शाफ्ट में रोटेट कर रही है, शाफ्ट रोटेट कर रही है बेयरिंग में, तो वहां पर लॉसेस हो सकते हैं, और भी डिजाइनिंग लॉसेस हो सकते हैं। तो ये तो हमारे पंप ने हेड डेवलप्ड किया, और मिनिमम पंप को कितना डेवलप करना है टू सप्लाई अ वाटर टू हायर हाइट, ये हमारे मिनिमम डेवलप करना है। तो इनका जो रेशियो होगा, जो पंप को मिनिमम डेवलप करना है और जो पंप ने एक्चुअल डेवलप किया होगा, ये ज्यादा ही किया होगा इससे, तो इस रेशियो को हम कहते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। दैट रेशियो इज नोन एज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। सो मैनोमेट्रिक हेड अपॉन हेड डेवलप्ड बाय द पंप इंपीलर इज नोन एज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो इस मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आता है वो आएगा आपका जी मैनोमेट्रिक अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, दैट इज द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। यहां तक समझ में आया आपको? लवली, यहां तक समझ में आया बेटा? देखो, ये तो पंप को मिनिमम डेवलप्ड करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करा तो पानी सप्लाई नहीं होगा। ये वो है जो हमारा इंपीलर डेवलप कर रहा है। सो इनके रेशियो को हम क्या कहेंगे? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, अब पंप को पावर कौन देगा? पंप को पावर मोटर देगी। पंप को पावर कौन देगा? पंप को पावर मोटर देगी। और मोटर जो पावर देगी वो बेसिकली जो पावर अवेलेबल है एट पंप है उससे तो ज्यादा ही देगी। भाई पंप को पावर कौन देगी? मोटर देगी। पंप को पावर कौन देगी? मोटर देगी। सो मोटर जो देगी पावर पंप को वो तो ज्यादा ही देगी थोड़ा सा, क्योंकि मोटर किसी ना किसी बियरिंग में रोटेट कर रही होगी, पंप भी किसी ना किसी बियरिंग में रोटेट कर रहा होगा, तो यहां पर कौन से लॉस होंगे? फ्रिक्शन लॉस होंगे। तो पावर अवेलेबल एट द पंप, जो पंप ने पावर डेवलप किया, दैट इज एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू, और जो पावर मोटर ने सप्लाई किया, दैट इज अ पावर एट मोटर ऑफ शाफ्ट, या उसके रेशियो को हम कहेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो एक सिक्वेंस यहां पर समझ जाओ। पंप का काम क्या है? हेड को डेवलप करना। ठीक है, पंप का काम क्या है? हेड को डेवलप्ड करना। सो ये हमारा हेड होगा मैनोमेट्रिक हेड, ये टर्बाइन को आपको डेवलप्ड करना है मिनिमम टू सप्लाई या वाटर हेड लोअर है मैक्सिमम है। पंप डेवलप्ड कितना करेगा? पंप डेवलप्ड या फिर हमारे पास ये क्या होगा? पावर मोटर शाफ्ट। शाफ्ट को आप क्या दोगे? ज्यादा पावर दोगे। अभी कर लेना 2 मिनट में। तो इनका जो रेशियो होगा मैनोमेट्रिक, इसका जो रेशियो होगा इसको हम बोलेंगे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। पंप का और पावर का जो रेशियो होगा, जो शाफ्ट पर तुमने पावर सप्लाई की होगी, इसको कहोगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। और टोटल जो रेशियो होगा इसको कह दोगे तुम ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहां पर नोट कर लो रोशन, कहां से करना है बेटा नोट बताओ मुझे, कहां से करना है? मैनोमेट्रिक वाले से नोट करना है, मैनोमेट्रिक वाले से नोट करना है, तो नोट कर लो मैनोमेट्रिक वाले से। बताते जाओ मुझे कहां से नोट करना है, तो मैं वहीं से खोलता जाऊंगा। ये यहां से नोट करना है।
ओके लवली, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके डोंट वरी। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ जाऊं रोशन, आगे बढ़ जाऊं, आगे देख लीजिए। ओके कोई बात नहीं, कल कल देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके बेटा रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है ना। आगे बढ़ जाऊं, डायरेक्टली ये वाला बनाओ बेटा, ये मत बनाओ, ये डायरेक्टली ये वाला रिलेशन बनाओ, मैनोमेट्रिक हेड, फिर पंप डेवलप ने जो किया और पावर एट द मोटर शाफ्ट जो हमने सप्लाई की, ये वाला डायरेक्टली डिजाइन बना लो, बाद काम हो जाएगा। ओके चलिए, ओके कोई बात नहीं, चलिए। सो आई होप यहां तक समझ में आ गया। लास्ट वन एफिशिएंसी होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो भैया जो पंप ने यहां पर डिस्चार्ज वाटर किया और वाटर जो सप्लाई हुआ पंप को, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। चूंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो पंप की केसिंग है वो तीन तरह की होती है, ओपन, सेमी ओपन और क्लोज्ड। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जो पानी आपने सप्लाई किया हो सकता है कुछ लॉस हो जाए, टपक जाए, नीचे निकल जाए। तो एक्चुअली में जो पानी डिस्चार्ज होता है, मे बी इट इज लेस देन द वाटर यू सप्लाई टू द पंप। सो इनका रेशियो जो होता है दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अल्फा यहाँ पर 90 डिग्री होता है, वल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होता है, इतना इनलेट। और एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब अगर हमें शॉक को मिनिमाइज करना है तो हम ये मानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट क्या है एग्जैक्टली सेम है, एंड दिस इज द टेंजेंट टू द ब्लेड सरफेस। ओके ये वही सारी कहानी जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, हेड ऑफ द पंप, कौन कौन से हेड होते हैं, स्टेटिक, मैनोमेट्रिक हेड, अभी मैंने बताया था आपको क्या क्या हेड है, बहुत सारी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने सारी एफिशिएंसी पढ़ ली है। ओके सो ये हमारे पंप का डिजाइनिंग है। ठीक है, सो इट इज अ वेरियस एफिशिएंसी ऑफ पंप वी जस्ट स्टडी इट। ओके इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, कैविटेशन वगैरह के बारे में। पहले हम एक दो क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है टॉपिक पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन इज दिस, द इंपीलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 450 mm एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 200 mm एंड इट इज रन एट
1440 rpm, assuming a constant radial flow through the impeller at 2.5 meter per second and that the vane at exit are set back at the angle of 25 degree, determine inlet vane angle, the angle absolute velocity of water at exit make with the tangent and the work done per newton of water. ये आपको इससे निकालना है. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. ये वाला क्वेश्चन है, मुझे इसके लिए पेज ऐड करना पड़ेगा, यू नो दैट. चलते हैं. सो देखिए, हमारे पास गिवन डाटा क्या दे रखा था. इंपीलर ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप हैज एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 450 mm. इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है. ओके, एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 200 mm. इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है. And it runs at 41440 RPM. Assume a constant radial flow through the impeller at 2.5 meter per second. इसका मतलब flow velocity दे रखी है VF1 और VF2 is same. And it is 2.5 meter per second. And the vane angle at exit are set back at an angle of 25 degree. Exit पर हमें vane angle दे रखा है. इसका मतलब हमें beta 2 दे रखा है. कितना है? 25 degree. चलिए, आपको वेलोसिटी ट्रायंगल तो पता ही होगा. हमने बोला था ये हमारा V1 होता है, ये आपका U1 है एंड दिस इज द VR1. सो पहले केस में आपसे पूछा हुआ है वेन एंगल एट इनलेट, इसका मतलब बीटा वन की वैल्यू मुझसे पूछी हुई है. और मुझे पूछा हुआ है V2, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एग्जिट. ठीक है, तो एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल आपको पता ही होगा, यहां से जब बाहर निकलेगा तो किस वेलोसिटी निकलेगा, VR2 से. ब्लेड आपकी U2 वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड दिस इज V2. ये हमारा हो जाएगा VW2 एंड दिस इज VF2 एंड दिस एंगल इज α2 एंड दिस एंगल इज β2. ओके, अब देखिए β1 क्या होगा, आपको बोल रखा है VF1 और VF2 बराबर, इसका मतलब VF1 और V1 और VF1 क्या है, सेम है. दिस इज 2.5. यस, ब्लेड एंगल एंड वेन एंगल एक ही है. पंप में उसको ब्लेड को वेन कहते हैं और टर्बाइन में ब्लेड कहते हैं. ओके, एक ही बात है. अब देखिए U1 आप निकाल सकते हो, U1 कितना है आपका पास, पाई D1 एन अपॉन 60, 3.14 डायमीटर आपको 0.2, एन आपको 1440 दे रखा है अपॉन 60. इससे आप U1 निकाल लोगे. U1 कितना आ रहा है बताना बेटा, U1 कितना आ रहा है मनीष, U1 कितना आ रहा है मनीष, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1440 अपॉन 60.
तो U1 आ रहा है हमारे पास 15.072 मीटर पर सेकंड, दिस इज U1। ओके अब देखिए, अगर आपको टेन बीटा वन निकालना है, सो टेन बीटा वन दिस इज VF1 विच इज इक्वल टू V1 अपॉन U1 हो जाएगा। सो दिस इज 2.5 अपॉन 15.072, तो आंसर आ जाएगा 2.5 अपॉन 15.072। सो बीटा वन विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 0.1658। डिग्री। ओके यहां तक क्लियर है? अरे इसमें किसी को डाउट है? यहां तक क्लियर है बताओ मुझे पहले। सही आ रहा है या मैंने गलत? अरे कैलकुलेशन करके बता दो भाई, ये सही आ रहा है क्या? तुम लोगों कुछ और आ रहा हो तो बताओ। कर लो कैलकुलेट कर लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा है V2। सो भैया V2 आप कैसे निकाल सकते हो मुझे बताओ, V2 आप कैसे निकाल सकते हो बताओ मुझे। बीटा 2 आपको दे रखा है नहीं दे रखा? या ठीक है, बीटा 2 आपको दे रखा है। चलो इस ट्राइंगल से बोलो मुझे कैसे निकालोगे V2। बीटा 2 आपको दे रखा है, U2 आप निकाल लोगे, देखो U2 आप निकाल लोगे, U2 आपका आ जाएगा ठीक है। VF2 आपको दे रखा है, VF2 आपको दे रखा है। सो इससे एक चीज साफ है, देखो यस 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सॉरी डिग्री दे रखा है आपको। सो देखो इस ट्राइंगल से साफ है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ठीक है। आपको बताता हूं, ये हमारा V2 है, ये हमारा VR2 है, ये हमारा U2 है, ये हमारा VF2 है, ये एंगल बीटा 2 हमें गिवन है जो कि 25 डिग्री हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अल्फा 2 हमको नहीं पता। सो माय डियर फ्रेंड एक बात बताओ, VF2 हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, दिस इज 2.5 मीटर पर सेकंड। सो इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, सो VR2 साइन बीटा 2 कैन बी राइट एज VF2।
सो वी आर टू कैन बी राइट एज वी एफ टू साइन बीटा टू, यस और नो? ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये आ जाएगा। सो वी एफ टू हमें कितना है 2.5 साइन, और ये कितना है 25, तो इससे हमारे पास आ जाएगा वी आर टू, वी आर टू, तो 2.5 अपॉन साइन 25 कितनी वैल्यू आ रही है वी आर टू की, ये आ रहा है हमारे पास 5.9155, दिस इज द वी आर टू। अब देखो वी आर टू का कॉस्ट कंपोनेंट अगर लोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। सो देखे, और यू टू माइनस वी आर टू कॉस बीटा टू आपके पास क्या होगा वी डब्ल्यू टू के बराबर, और वी डब्ल्यू टू क्या होता है, दिस इज वी टू साइन अल्फा टू, बट इतना जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास वी एफ टू ऑलरेडी है। बताओ भाई ट्रायंगल से बताओ क्या करना है इसका आगे, ट्रायंगल ही है सॉल्व करना, बताओ मुझे। बताओ भाई रोशन कितना आंसर आएगा, अरे बताओ। अरे दादा ये नहीं लिख सकते क्या, वी टू इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से वी एफ टू स्क्वायर प्लस प्लस यू टू माइनस वी आर टू कॉस बीटा टू का होल स्क्वायर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? वी एफ टू तुम्हें पता ही है ऑलरेडी कितना है 2.5 का स्क्वायर, यू टू तुम निकाल लोगे दैट इज पाई डी टू एन अपॉन 60 3.14, डी टू हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 450 mm, दैट इज 0.5, और आरपीएम हमें कितना दे रखा है 1440 अपॉन 60, तो यहां से यू टू आ जाएगा तुम्हारे पास, सो 3.14 इंटू 0.45 इंटू 1440 अपॉन 60 कितना आ रहा है ये 33.912। वी आर टू हम निकाल चुके हैं 5.9155 कॉस बीटा टू दैट इज 25 का होल स्क्वायर, सो यहां से आंसर आ जाएगा। वालेकुम सलाम आकाश, ओके देखिए, सो यहां होगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 33.912 माइनस 5.9155 कॉस 25 का होल स्क्वायर, उसका रूट कर देंगे 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है 3.3
37 मीटर पर सेकंड, ये निकाल लेना बेटा, वेलोसिटी आ रहा है एग्जिट पे। ओके सो ये आई थिंक आपका निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 33 जो भी है एक बार निकाल के बता दो मुझे, जो भी आ रहा है निकाल के बता दो। रोशन V2 आ रहा है 27, ओके 27 आ रहा है, चलिए निकाल के बता देना, मैंने ढंग से अभी कैलकुलेट नहीं किया। 27 मीटर पर सेकंड, सो यहां से V2 आपका आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन वो पूछ रहा है वर्क डन पर न्यूटन ऑफ वाटर, इसका मतलब वो पावर पूछ रहा है m.Vw2 U2, Vw2 है, U2 है, m डॉट है, निकालिए आंसर आ जाएगा। ओके Vw2 U2 अपॉन G वाले केस में निकाल लेना, दैट इज द आंसर पर न्यूटन में जो आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। आई होप तुमको समझ में आया रोशन, यहां तक समझ में आया बेटा, यहां तक समझ में आया रोशन? यार क्लास एक्चुअली बहुत लंबी हो चुकी है, सो आज हम लोग फिर यही खत्म करते हैं, फिर कल वाली क्लास में फिर ये कंप्लीट करेंगे। ओके आज हम लोग यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफी लंबी हो चुकी है क्लास। ओके ये आपका होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, घर से करना है आपको। अ साइंटिफिकल पंप इज डिस्चार्ज 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 1450 RPM अगेंस्ट द हेड ऑफ 25 मीटर, द इम्पीलर डायमीटर इज 250 mm, इज विथ एट द आउटलेट इज 50 mm एंड द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 75%, डिटरमाइन द वेन एंगल एट द आउटलेट पेरिफेरी ऑफ द इम्पीलर। ओके वगस, वेयर इज योर होम, पाकिस्तान में कहां पर घर है तुम्हारा? ओके सो रोशन इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, ये आपका घर का होमवर्क है, ठीक है, इसको करना एक बार, कोशिश करना, कल हम लोग इसको कराएंगे क्वेश्चन को। मुल्तान, ओके चलिए, ओके ओके वेरी वेरी गुड वेरी गुड। ओके बकस चलते फिर आज हम लोग करते हैं, चलो पावर आ गया 93.24, वेरी गुड। तो कल आप लोग ये कर लेना, रोशन आपका ये होमवर्क है, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। सो फिर कल हम लोग क्लास रखेंगे इसी टाइम पर, तो ये जो थोड़ा बहुत साइंटिफिकल पंप का बाकी है, कैविटेशन बाकी है, ये हम लोग कल वाली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके सो कैविटेशन हम लोग कल करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग भी कल करेंगे हम लोग। ओके उसके बाद ये ऑलमोस्ट हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम ऐप पर, जो हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है ना, उस पर हम टेस्ट प्लान करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी करेंगे और हाइड्रोलिक मशीन का भी करेंगे। सो मुझे बता देना कब करना है, आई विल प्लान द टेस्ट ऑल्सो। ओके थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास एंड वी मीट टुमोरो एट द सेम टाइम सेम प्लेस। ओके सो हम लोग कल मिलते हैं इसी वक्त इसी समय, और उसके लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, गुड बाय, और सभी को हैप्पी रामनवमी। क्या यस रामनवमी, ओके सो कल हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमोरो। वी विल स्टार्ट वर्कर्स पावर प्लांट, हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके विल स्टार्ट अ सून पावर प्लांट एंड RAC, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून।